हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ज्योत्सना पांडे त्रिपैलेस किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चोखा बनाना बताऊंगी कि मैं घर पे आसानी से कैसे चोखा बना लेती हूँ, और ये बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो चलिए, मैं आज आपको बहुत अलग तरीके से चोखा बनाना बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर ऑन करिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको मेरी डेली का वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ज्योत्सना पांडे, आज मैं आपको चोखा बनाना बताऊंगी। उसके लिए आपको न तो कंडे की जरूरत पड़ेगी, न तो आपको आलू और बैंगन भुनने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्वाद में कोई भी कमी नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार जरूर से बना के देखिएगा। तो ये देखिए, मैंने थोड़े से आलू ले लिए हैं और चार बैंगन, चार टमाटर। इसमें टमाटर थोड़ा सा ज्यादा हम लोग डालते हैं। तो मैं पहले आलू को छील के और बैंगन को काट के आपको दिखाऊंगी। ये हमने सारे बैंगन को काट लिया है, हम आलू को भी छील लिए हैं अच्छे से। अब हम इसे भी थोड़े बड़े पीस में काट लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से धुल लेते हैं। हम टमाटर को ही ऐसे ही रफली काट लेते हैं, कोई नहीं है। टमाटर को थोड़ा सा आप देख के काटा करिए, क्योंकि कभी कभी बारिश में कीड़े भी होते हैं, तो इसलिए टमाटर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है फ्रेंड। ये हम मेरा टमाटर भी कट गया है। तो अब हम कुकर में डालते हैं पूरा टमाटर, और जो पोटैटो हम काटे हैं वो भी हम इसमें, और अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल, और हम कुकर को बंद करेंगे और इसे पकने के लिए हम रखते हैं। जब से हमारा आलू और बैंगन पक रहा है, तब से हम चोखा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और ये हमने तीन प्याज ले लिया है, प्याज को हम बहुत बारीक बारीक काट लेंगे। बैगन पक रहा है, वो पक गया है, और अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। ये हम प्याज को काट लिए हैं छोटे छोटे बारीक एकदम। आपका मन हो आप बड़े टुकड़े को टुकड़े में भी काट सकते हैं, लेकिन छोटा ज्यादा अच्छा लगता है। और अदरक को हम इसी में घिस लेते हैं। हम अलग अलग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें बाद में चोखे में मिलाना है, तो हम एक ही जगह सारी सबको मिक्स करके चटपटी बनानी है, इसलिए हम मिर्च को थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा चटपटा रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। मिर्च को भी हम एक जगह कर रहे हैं। और इसमें हम थोड़ा सा धनिया भी डाल लेंगे। इसमें डालेंगे इतना लहसुन, और हम लहसुन को भी इसी में डाल देंगे। और ये हमारे चोखे की सामग्री सब तैयार हो गई है। अब हम इसे एक तरफ कर देंगे, और अब हम पराठे की तैयारी। हमारा आलू, टमाटर और बैंगन पक गया है, और हम इसे थोड़ा सा तोड़ लेंगे, और इसी में हम सारे चोखा को, सारे आलू को, सब कुछ इसी में मिक्स कर देंगे, और हम इसे खूब अच्छे से भून लेंगे। और इसमें नमक आप टेस्ट के हिसाब से अपने डालिएगा। इसमें लहसुन प्याज जो हमने काटा बिल्कुल इसमें डालना ही नहीं है, हम उसे एकदम
लास्ट में डालेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा, ताकि उसका वो कच्चा कच्चा न लगे। हमें इसका पानी पूरा सुखवा लेना है, क्योंकि टमाटर हम जब थोड़ा ज्यादा डालते हैं तो उससे वो पानी छोड़ देता है, इसलिए हम नमक उसमें नहीं डालते, क्योंकि नमक से और जल्दी आलू गल जाता है और उसमें बहुत गली आलू अच्छी नहीं लगती है। और ये दाल चावल के साथ, सत्तू के पराठा के साथ बहुत अच्छा लगता है। और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट तक हम ठंडा होने देंगे। और ये हमारा चोखा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें जो मिक्स किए थे सारा, उसे हम मिला देंगे। मुझे 100% आशा है कि आपको मेरा चोखा, ये जो मैंने बनाया है, ये बहुत अच्छा लगेगा और आप बना के जरूर ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। और अगर आप मुझे पसंद करते हैं या आप मेरे रेसिपी को पसंद करते हैं तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर ऑन करिएगा। ये आपका चैनल है, मैंने आपके लिए बनाया है, आपको इसे आगे ले जाना है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और अब हम चोखा को निकालते हैं और सर्व करेंगे। और जब देख के इतना अच्छा लग रहा है तो खा के कितना मजा आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और कल मैं आपके लिए कुछ और लेके आऊंगी, कुछ नया लेके आऊंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, राधे राधे, बाय बाय।